वहीं महंगाई और आर्थिक मंदी की मार झेल रहे पाकिस्तान के दिन रोजाना खराब होते जा रहे हैं। जनता आटे और पेट्रोल के लिए तो मारी मारी पहले ही फिर रही थी, अब हुक्मरानों के खिलाफ उनका गुस्सा सड़कों पर दिखाई देने लगा है। देखो, लोगों के पास पैसे नहीं है जिससे खरीदारी नहीं हो पा रही है, जरूरी चीजों के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में पाकिस्तान की जनता गुस्से में है, खफा है। दो दो तीन तीन दिन तो आटा मिल ही नहीं रहा, इतनी महंगाई को खुदा का खौफ करो, 15 रुपए की रोटी हो गई है। पाकिस्तान में महंगाई की मार, जनता का जीना हुआ मुहाल, आटे के लिए मारी मारी फिर रही जनता, रोटी के लिए दंगों जैसे हालात। आटा लेने जा रहे हैं उधर खुदकुशियां हो रही हैं, बंदे के ऊपर बंदा चढ़ा हुआ है, मार रहे हैं। महंगाई से खत्म हुआ कारोबार, आसमान छू रहे जरूरी चीजों के दाम, कारोबार मुकम्मल खत्म है। जो चीज पहले 10 रुपए की मिलती थी अब 25 रुपए की मिल रही, पैसे हाथ में लेकिन मिलती नहीं। मंदी और महंगाई से पाकिस्तान में हालात खराब होते जा रहे हैं, जनता सड़कों पर आटे के लिए मारी मारी फिर रही है। हालात ये है कि लोगों को आटा 2 से 3 दिनों में जाकर मिल पाता है, दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, आटे के लिए लोग मारपीट और हिंसा करने पर भी उतारू हैं। मुझे बता देना, आप लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, आटा लेने जा रहे हैं उधर खुदकुशियां हो रही हैं, बंदे के ऊपर बंदा चढ़ा हुआ है, मर रहे हैं। ये हमारी कौम का हाल है या हुक्मरानों का हाल है? हम बाहर के जो बाहर के हुक्मरान हैं जिसको हम उनको बोल रहे हैं वो अच्छे हैं, क्यों बोल रहे हैं हमारे हुक्मरान ही अच्छे हैं? हम उनको क्यों अच्छा कह रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं हमारे हुक्मरान गंदे हैं, जिनको हम गालियाँ निकालते थे हम उनको ही अच्छा कह रहे हैं। सिर्फ खाने पीने की चीजें ही नहीं बल्कि पाकिस्तान में हर चीज के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। विदेशी मुद्रा भंडार भी कुछ दिनों का ही बचा है, यानी साफ है कि पाकिस्तान आर्थिक मंदी से चौतरफा घिरा हुआ है और हालात संभलते नहीं दिख रहे। ये 7,500 में पड़ा है, इतनी महंगाई हो गई है और डॉलर का ये इशाकदार तो कहता था कि मैंने डॉलर को जो ना लगाम देनी, ये करना वो करना, अभी वो कह रहे कि 35 रुपए इकट्ठे बढ़वा दिए, और मैं किराया जो अदा करके आया हूँ ना, वो पहले मेरा तकरीबन 200 लगता था, अब 400 रुपए कम से कम लगा मेरा, इतनी महंगाई को खुदा का खौफ करो। पाकिस्तान में हालात खराब होने के बाद अब लोग भारत की दुहाई देने लगे हैं और शहबाज सरकार को लगातार कोस रहे हैं। इंडिया देख लें कहां से कहां पहुंच रहा है, उन्होंने टेक्नोलॉजी हाइब्रिड हर चीज बनाना शुरू किया, और हम अभी आज भी आटे दाल चावल चीनी के बीच हो रहे हैं। हमारे पास ये पैसे नहीं है कि हम लोग अपने कंटेनर क्लियर करा लें, हमारे पास पैसा ही नहीं है, वो क्या हो गया, कौन से मुल्क को लूट के दे रहे हैं? मेरा कंटेनर में फंसा हुआ प्याज है, मेरे कंटेनर में फंसे हुई मिर्चे हैं, मेरे घर की जो चीजें हैं ना वो फंसी हुई हैं कंटेनर में, मैं कहता हूँ वो क्लियर हो आए हमारे मुल्क में, कुछ चीजें सस्ती मिले, प्याज कहाँ पे चला गया, घी कहाँ पे। पाकिस्तान में खरीदारी करने के लिए लोगों के पास पैसे नहीं है, पिछले एक महीने में महंगाई कई गुना तक बढ़ गई है, आटे की किल्लत है, कई इलाकों में पीने के पानी का संकट भी बना हुआ है, तो आर्थिक मंदी से हालात लगातार खराब होते जा रहे हैं। पाकिस्तान के ये हालात आने वाले दिनों में बेहद गंभीर साबित हो सकते हैं। न्यूज 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग नाउ।